ये प्रेस। और ये राहुल भाई इसका एक्सप्लेन करेंगे क्या, चार्ज करने पे वन चार्जिंग पे 110 किलोमीटर चलती है। अच्छा 110 किलोमीटर, मतलब चारों तरफ इसको घेरा गया ताकि कोई हाथ वगैरह ना लगा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। हाय बोलो छोटा बाबू। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए छोटा बाबू आप लोग को कैसा लगता है। अगर मेरे हर ब्लॉग में छोटा बाबू को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, इसको हर ब्लॉग में मैं लिया करूँ। अपना नाम बता दो एक बार। छोटा बाबू। तुम्हारा नाम छोटा बाबू है। हाँ। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैजिक सपोर्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ प्रवीण भाई के घर पे, ये देखो उनका घर और यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जिस ऑफिस में आए थे वहाँ पे हम लोग का काम लगभग कम्प्लीट हो गया है और यहाँ से हम लोग बस निकलने वाले हैं एक और ऑफिस के लिए, क्योंकि आज का हमारा जो शेड्यूल था वो ऑफिस विजिट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था उसके लिए हम लोग निकले हुए थे मैं और प्रवीण भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे टिकट ले लिया है और ये है टिकट घर, यहीं से आप 5 रुपये टिकट लेकर ये यहाँ पे अंदर जा सकते हैं गेट नंबर 3 के पास। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो प्रतिमा है, जहाँ पे काम चालू है वो सारा अपडेट देते हैं आपको, और एक अपडेट होने वाला है वो सारी चीज़ें आपको देंगे। तो फिलहाल कुछ भाई लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, ये दो और भाई लोग कैसे हो? हेलो बढ़िया, चलो बढ़िया है। क्या नाम है आपका? शशांक शुक्ला। और आपका? चलो भाई लोग आ गए और मतलब अचानक हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अचानक मतलब देखने लगे भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं पहले अंदर चलते हैं और भाई लोग कुछ बातें करते हैं। तो फिर हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप लोग को दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है और ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब चारों तरफ इसको घेरा गया ताकि कोई हाथ वगैरह ना लगा सके। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी यहीं पर हैं, काफ़ी टाइम तक हम लोग यहाँ पे बैठे थे और काफ़ी मन को शांति मिली थी यार। आप लोग भी को भी अगर आना हो तो आप लोग आइए, फैमिली के साथ आकर घूम सकते हैं, मस्त इन्जॉय कर सकते हैं। और ये देखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है, इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। और यहीं से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो कटोरी देखें यहीं से पानी टपक रहा था और किस लिए क्या कारण पानी टपक रहा था उसका कारण अभी नहीं पता चला लोगों को। यही है यहाँ का आज का सीन। पास बाइक लेंगे उसके बाद चलेंगे झूसी की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में हर साल की तरह इस साल भी पुष्प प्रदर्शनी लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2023 की पुष्प प्रतियोगिता लगेगी उसमें दो कंपटीशन होंगे, एक यहाँ पे होगा एक फोटोग्राफी और पेंटिंग का कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन आप गेट नंबर 3 पे जो है वहाँ पे टिकट घर है, टिकट घर के पास आपको 10 रुपये का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म लेने के बाद आपको भरना पड़ेगा, भर के जो अंदर ऑफिस है ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रतियोगिता है ये प्रतियोगिता का सारा सारा इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल आपको जो फॉर्म है फॉर्म लेंगे तो उस फॉर्म में आपको सारा सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और मैं वैसे आपको टिकट घर में सारी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप अगर प्रयागराज में कहीं से भी तो आप आइए भाग लीजिए और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी गार्डन के जस्ट बगल में था फुल्की वाला, तो भाई इसे देखने के बाद हम लोग की मुँह पानी आएगा, सोचे कि थोड़ा फुल्की हम लोग ट्राई कर लें और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। ये देखिए यहीं पर इनका शॉप है भैया का, तो लेते हैं खाते हैं पानी पूरी पहले। तो ये देखिए पानी पूरी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा हरा पानी पूरी। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं प्रवीण भाई घर पे, इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक है अभी मैं भी निकलता हूँ झूसी के लिए क्योंकि काम कुछ लोग से मिलना है, मुझे प्लॉट दिखाना है। अरे वो आपको पता है कि नहीं क्या चीज़? जब एक बार हमने कहा कि गाइस अभी हमको श्याम भाई हमारे घर छोड़ दिए हैं तो आपने क्या कहा था? हमारा रोज का काम है। तो फिलहाल निकलते हैं, प्रवीण भाई को कहते हैं बाय बाय। ठीक है तो फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं राहुल भाई, जो तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे राहुल भाई मिल गए हैं। ये देखिए राहुल भाई, और राहुल भाई कैसे हैं? कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? और आज राहुल भाई से हमारी फर्स्ट मुलाकात हो रही है ना, अभी तक 2-3 बार से बात हुई होगी। तो राहुल भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और सब खास बात दिखा दें, इनकी जो बाइक है
ये देखो, और ये राहुल भाई का यूट्यूब चैनल द यूपी 70 के नाम से, और बाइक का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बेहतरीन बाइक लगती है फ्रेंड्स। और ये राहुल भाई इसका एक्सप्लेन करेंगे क्या है कैसे है, यहाँ पे भी इनका यूट्यूब का है, और लाइट वगैरह बहुत जानदार। ये ओला की बाइक है, जो ओला S1 है। हाँ बताइए भाई, क्या है इसका फीचर्स, बताइए क्या है इसकी। यह फीचर्स है क्योंकि ये इसको चार्ज करने पे, वन चार्जिंग पे 110 किलोमीटर चलती है। अच्छा 110 किलोमीटर। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 95 की है। अच्छा मैक्सिमम टॉप स्पीड 95 की है। और इतनी स्मूथ चलती है गाड़ी कि पूछिए ना, मतलब इतनी ये फीचर्स गाड़ी की है। हाँ। इतनी स्मूथ चलती है गाड़ी। वैसे फ्रेंड्स मैं अभी इनके साथ थोड़ा टाइम तक बैठा 5 मिनट के लिए, लेकिन इसकी कोई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही, एकदम साइलेंस होकर चलती है ये बाइक। तो भाई मेरे गाइस आप लोग से ये कहना है कि अगर जो लोग ओला S1 अगर प्रेफर कर रहे हैं तो गाड़ी जरूर लें ओला S1, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी है और नॉर्मली जो बाइक से बेटर है ओला S1। और जैसे कितना घंटा चार्ज करना होगा इसको? मैक्सिमम 4 घंटा चार्ज करना पड़ता है, 4 घंटा में चार्ज हो जाती है गाड़ी इसकी, मतलब 4 घंटा चार्ज करके आप 110 किलोमीटर चल सकते हैं, है ना? एकदम। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है अभी, ये फर्स्ट मेरा राइड होगा ओला का, और देखते हैं इसका राइड कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, जैसा भी होगा आप लोग को बताएंगे जरूर, और देखते हैं भाई मैं चला लूँगा ना। हाँ भाई एकदम चला लोगे जब। तो देखते हैं यार, ट्राई करते हैं। वैसे ऐसी बाइक तो नहीं चला हूँ, वैसे मैं स्कूटी भी नहीं चला हूँ, सिर्फ वो बाइक चलाया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा चला लूँगा भाई। इसलिए चला लेंगे सब लोग, कोई भी लेगा, लेकिन लेडीज के लिए थोड़ा सही है, हाइट इसकी क्या नाम है ज़्यादा है। अच्छा हाइट इसकी ज़्यादा, लेडीज के लिए पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब होती है पैर तक पहुँचने में। अच्छा बाकी आप लोग जानते ही होंगे गाइस कि लड़कियां लोग जो है ब्रेक अपने पैर से लगाती हैं। ये सही बोले। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं बाइक चलाने। और तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 54 फीट हनुमान मंदिर, ये मेरे पीछे देख सकते पे दुखहरा 54 फीट हनुमान मंदिर, 111 मनोकामना पूरक शिवलिंग बना हुआ है, और ये इस साइड यहाँ पे है जाने का रास्ता। तो चल के फ्रेंड्स आपको अंदर की सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे जो 54 फीट हनुमान मंदिर का गेट है यहाँ पे हूँ, और अंदर चल के आपको सारी चीज़ें मैं। ये देखिए एक लाइन से बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे 2 शेर की आकृति बनी हुई है। ले लिए हैं और मैं और राहुल भाई चलते हैं उल्टा भाई कहाँ चल रहा है? उल्टा किला चल रहा है झूसी में जो है उल्टा किला, आप मेरे तो इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्योंकि राहुल भाई को वहाँ भाई मैं आया हूँ, मुझे मैंने नहीं देखा है, इसीलिए भाई ने कहा तो मैं चल रहा हूँ, अब मुझे भी देखना है कैसा है किला। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो झूसी उल्टा किला है वो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ राहुल भाई के साथ उल्टा किला, जिसे प्रतिष्ठान पूरी भी कहते हैं। ये देखिए आप महाभारत काल में इस जगह का नाम और ऐसा नाम सुना होगा। तो ये है गेट, अभी हम लोग गेट चलते हैं इस गेट के अंदर, और अंदर की जो भी चीज़ें हैं आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग अंदर अभी एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है फ्रेंड्स, और चल के आपको वो समुद्र भी दिखाते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि 7 समुद्र का पानी यहाँ पर आता था। अब पता नहीं क्या रियलिटी है, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने सुना है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी ही हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ की सारी चीज़ें। ये देखिए ये प्राचीन स्थल झूसी है।
अंदर आपको वो समुद्र कुप भी दिखाऊंगा जो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गहरा कुआँ है और ये पानी का परछाई आपको दिखता होगा, पानी अंदर बहुत इसके अंदर नीचे पानी है और काफ़ी डर लगता है फ्रेंड्स, भयानक बहुत लगता है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी राहुल भाई और हम आ चुके हैं घर पे। राहुल भाई मतलब आ ही नहीं रहे थे, बोला चलो भाई कम से कम इतना दूर आए हो, कम से कम घर पे तो एक बार चलो। तो इनको भाई ज़बरदस्ती लेकर आए हैं और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पोहा। ये देखो बहुत ही प्यारा पोहा बना हुआ है। राहुल भाई टेस्ट कैसा है? एकदम ज़बरदस्त। 10 में से कितना मिलना चाहिए? 10 में से 11। एक नंबर ज़्यादा दे दिए। और इसके साथ गुड़ भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स खाते हैं फटाफट, लेकिन कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा चैनल को।